बिहार की सियासत में नीतीश ने फिर लिखी नई स्क्रिप्ट, लालू तेजस्वी हैरान, खबर लगी तो कैसे लगी। ललन सिंह जेडीयू में करने वाले थे ठीक वैसा काम जैसे परिणाम की उम्मीद आरसीपी सिंह ने की थी, लेकिन नीतीश ने कर दिया फेल। नीतीश के खिलाफ आरसीपी से भी भयंकर ऑपरेशन चला रहे थे ललन, नीतीश को मालूम हुआ तो ले लिया एक्शन। राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के साथ जो कुछ हुआ वो अप्रत्याशित तो नहीं था, कुछ इसी तरह से आरसीपी सिंह ने किया था, लेकिन नीतीश को भनक लगी और उन्हें विदाई दे दी गई। आज ललन सिंह की विदाई भी उसी पुराने पद से हुई जिसकी रूपरेखा नीतीश कुमार तय करते रहे हैं। सियासी जानकारों के मुताबिक नीतीश कुमार के पूर्व के फैसलों को विस्तार से देखें तो पता चलता है कि उनका फैसला कुछ इसी तरह का होता है। नीतीश कुमार को जब कुछ बातों के बारे में पता चलता है या फिर उन्हें लगता है कि बाजी हाथ से जा सकती है तब कुछ ऐसे फैसले लेते हैं। उनके फैसलों से भले सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो जाए, उनका पूर्व का ट्रैक रिकॉर्ड कुछ ऐसी ही कहानी कहता है। देर से ही सही, नीतीश कुमार का ऑपरेशन ललन सफल हो गया। बिहार सीएम ने एक बार फिर से पार्टी की कमान अपने हाथ में ले ली। बताया जा रहा है कि ललन सिंह लालू यादव से डील कर जेडीयू के अंदर ही एक ऑपरेशन चला रहे थे जिससे सुशासन बाबू ने वक्त रहते नाकाम कर दिया। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने 29 दिसंबर को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नीतीश कुमार एक बार फिर से पार्टी के नए अध्यक्ष बन गए। सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि नीतीश कुमार ललन सिंह पद से हटाने की तैयारी पिछले कुछ महीनों से कर रहे थे। हालांकि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने ललन सिंह को किनारे लगाया उसके अंदर की कहानी हैरान करने वाली है। रिपोर्ट की माने तो ललन सिंह तो आरसीपी से भी भयंकर पार्टी के अंदर ऑपरेशन चला रहे थे जिसकी भनक नीतीश कुमार को लग गई। दावा किया जा रहा है लालू यादव की तरह ललन सिंह भी तेजस्वी यादव को बिहार का सीएम बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने नीतीश के खास मंत्री के साथ मिलकर मुख्यमंत्री के पास प्रस्ताव भी रखा था। हालांकि नीतीश कुमार ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। बताया जा रहा है कि ललन सिंह नीतीश कुमार से ये मनवाने की कोशिश कर रहे थे कि 18 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, अब तेजस्वी को बिहार की कमान दे देनी चाहिए। नीतीश इसके लिए कभी तैयार नहीं हुए। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार ललन सिंह के प्रस्ताव को खारिज कर देते हैं तो जेडीयू अध्यक्ष दूसरे काम पर लग गए। अंदर खाने की खबर है कि ललन सिंह जेडीयू को तोड़ने की प्लानिंग करने लगे। कुछ दिन पहले ही जेडीयू के 12 विधायकों की गुप्त बैठक हुई थी। ललन सिंह इन्हीं विधायकों की मदद से तेजस्वी यादव को सीएम बनाना चाहते थे। बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव को सीएम बनाने को लेकर लालू यादव और ललन सिंह में एक डील हुई। इसके मुताबिक ललन सिंह तो जेडीयू के 12 विधायकों को तोड़कर तेजस्वी की सरकार बनानी थी, इसके बदले में आरजेडी उन्हें राज्यसभा भेजती। ललन सिंह अगर अपनी प्लानिंग में कामयाब हो जाते तो आरजेडी अगले साल मनोज झा की जगह राज्यसभा भेज देती। मनोज झा का कार्यकाल अगले साथ समाप्त हो रहा है, लेकिन नीतीश को यह मालूम हो गया ललन सिंह जेडीयू के 12 विधायकों को पार्टी से बाहर करने वाले थे। ललन सिंह अगर ऐसा करते तो विधायकों की सदस्यता समाप्त नहीं होती। तेजस्वी यादव इन्हीं विधायकों की मदद से बिहार में सरकार बनाते, लेकिन नीतीश कुमार ने समय रहते ही सारा प्लान फेल कर दिया और पार्टी की कमान अपने हाथ में ले ली।